भुवनेश्वर पर्याय दुई शैलेश्री विहार अंतर्गत श्री श्री महावीर अनुकंपा मंडली आनुकूल्य प्रतिवर्ष परि ए वर्ष मध्ये श्रीरामचरित मानस नवाह्न पारायण और प्रवचन ज्ञानयज्ञ श्री श्री नीलकंठेश्वर राधामाधव जीव मंदिर प्रांगण से रीतिनीति संपन्न हो जाए। धर्म और सांस्कृतिक मूल्यबोध जोबले अपकाश घटी से भारत संस्कृति सुन्नाभ प्रतीक मर्यादा पुरुष रामचंद्रकर गाथा और महान गुणवली की प्रति मनुष्य पाखे पहुँचवापी अनुष्ठान यहाँ प्रयास जदि लोक मान मनीष मैने रामचंद्रकर महान गाथा और गुणवली की पार्थय करे आदरी ने संसार भातृभाव पितृमातृभाव सब स्नेह श्रद्धा सब उज्जीवित हो रहा। कलिकाल मनीष को सुख शांति और आनंद भितरे हजाइवा लक्ष्य नहीं यह आध्यात्मिक कार्यक्रम निश्चय खोराक जगाइब। नौ दिन धरी ठाकुर मंदिर में स्वतंत्र पूजार्चना सहित रामदरबार उपासना और यज्ञर आयोजन कर वेदज्ञ ब्राह्मण पंडित मैंने यज्ञ आहुति प्रदान कर संसार कल्याण अर्थे प्रार्थना करते अंचलवासी साहय सहयोग दीर्घ 26 वर्ष है श्री रामचरित मानस नवान पारायण ज्ञान यज्ञ चल प्रवचन कार्यक्रम चलो आमर ये आम 100 मेम्बर मान प्रचेषार ये सब कार्य संपूर्ण हो पड़ी। वेदमंत्र श्री श्री नीलकंठेश्वर और राधामाधव मंदिर परिसर प्रतिध्वनित हो उठी कि पुरुष कि नारी ए उत्सव में जोगदे ठाकुर उद्देश्य पुष्पाजलि और आलती प्रदान सहित ठाकुर शरण जाते। प्रत्येक दिन संध्या मंदिर परिसर में हरिकथा प्रवचन कार्यक्रम बहु साधुसंथ और कथावाचक मैंने से मानकर दिव्य कथा शुणाई प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम अपार गुणावली ताको लोकलोचन को आने ये हूँ प्रचार प्रसार व परमात्मा अहेतुक कृपार आम समस्त एकत्रित प्रभु रघुनाथ गुणावली को ये जनसमुद्रे वितरण करवा यही हूँ आम एकांत काम्य। नवदिन मध्य एक मनोज्ञ सन्धार प्रवक्ता शरणारविंद उपस्थित रही श्रीरामचरित मानस आधार में हरिकथा शुणाई बहुसंख्यार भक्त यही प्रवचन कार्यक्रम जोगदे प्रवचन शुणी। आज को 26 वर्ष धरिकी आम आज्ञा मानक पूर्ण सहयोग और से मानकर पूरा प्रचेषार ये रामचरित मानस कार्यक्रम प्रत वर्ष महा आडंबर करवर्ष भी अनुषित होत वर्ष ये कार्यक्रम पूरा एक सप्ताह अधिका समय धरिकी चलुची दीर्घ 26 वर्ष है ये रामायण चली साधुसंत मैंने बहुत निमंत्रण आसुच्च भक्त मैंने आसते रामायण विषय में कौन बहुत आनंद लगुच। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।